नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 हिंदी पाठ की श्रृंखला में आज पाठ है अंतराल भाग 2 से। पहला पाठ है सूरदास की झोंपड़ी। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले इस पाठ में आए विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दार्थों को, जिनसे कि हमें पाठ को पढ़ने में बहुत ही सहायता मिलती है। और जानेंगे प्रेमचंद जी का जो पाठ है, यह है सूरदास की झोंपड़ी, इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और अगर आपके पास बुक भी ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की 6 से 12 की आप बुक जो है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह रंगभूमि उपन्यास का एक छोटा सा अंश है सूरदास की झोंपड़ी। जो प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने एक उपन्यास लिखा रंगभूमि, उसका एक छोटा सा अंश कह सकते हैं इस पाठ को। तो चलते हैं शब्दार्थों पर। सबसे पहले उपचेतना। उपचेतना का मतलब होता है नींद में जागते रहने का एहसास। उपचेतना का मतलब होता है नींद में जागते रहने का एहसास। वहीं अग्निदाह। अग्निदाह मीन्स आग की लपटें, आग का दहन। दहन मीन्स जलना, आग का जलना। दाह मीन्स क्या होता है, जलना। वहीं चिताग्नि, चिता चिता प्लस अग्नि, चिता प्लस अग्नि, तो चिता में लगी अग्नि। खुटाई। खुटाई मीन्स क्या होता है, खोट। खुटाई मीन्स खोट। तस्कीन। तस्कीन मीन्स होता है तसल्ली या दिलासा। वहीं भूबल। भूबल मीन्स होता है ऊपर राख नीचे आग, उसे कहते हैं भूबल। अर्थात जिसमें ऊपर तो ऊपरी हिस्से पर तो उसकी राख होगी, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें जैसे आग भरी रहती है। वहीं अदावत। अदावत मीन्स होता है दुश्मनी। अदावत मीन्स होता है दुश्मनी। जरीबाना। जरीबाना कहते हैं जुर्माना या दंड। जरीबाना मीन्स जुर्माना या दंड। वहीं नाहक। नाहक मीन्स बेमतलब या अकारण, बिना कारण के। अमीस होता है रहित या नहीं। अमीस क्या होता है, रहित या नहीं। नेक्स्ट है रुपयों की गर्मी। रुपयों की गर्मी अर्थात धन का घमंड, धन का घमंड। वहीं बल्लम टेर। बल्लम टेर मीस होता है लुटेरे, गुंडे या बदमाश। मशक्कत। मशक्कत मीस होता है मेहनत या परिश्रम, उसको क्या कहते हैं, मशक्कत करना, मेहनत करना, परिश्रम करना। वहीं हसद। हसद मीन्स होता है ईर्ष्या या डाह। ईर्ष्या या डाह कहते हैं हसद रखना, या कहते हैं ईर्ष्या रखना किसी से, डाह रखना। वहीं छाती पर सांप लौटना, उसका मतलब है ईर्ष्या करना किसी से, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना अर्थात कहते हैं कि उसकी छाती में सांप लूटे हैं, अर्थात वह जो व्यक्ति है किसी से ईर्ष्या करता है कोई भी। नेक्स्ट है टेनी मारना। टेनी मारना का मतलब होता है कम तोलना, अर्थात जो दुकानदार आदि होते हैं तो वो क्या है, तराजू में जो पहले 2 पल्ले वाली जो तराजू चलती थी तो उनमें क्या करते थे, वो टेनी मारते थे। कहते हैं एक कोहनी से टेनी मार लेते थे और किसी वस्तु को कम तोलते थे। नेक्स्ट है बाट खोटे रखना। बाट खोटे रखना मीन्स तौल सही नहीं रखना। बाट खोटे रखना मतलब होता है तौल सही नहीं रखना। वहीं नेक्स्ट है ईमान गवाना। ईमान गवाना मीन्स बेईमानी करना। गुनाह। गुनाह मीन्स होता है बेलज्जत, गुनाह बेलज्जत नहीं रहना, अर्थात बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना। गुनाह बेलज्जत नहीं रहना मतलब बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना। वहीं झिझकी। झिझकी मीन्स संकोच किया,
जैसे कि मिस संकोच किया, जासा देना, जहासा देना मिस होता है भ्रमित करना, पेट की थाह लेना अर्थात अंदर की बात जान लेना, पेट की थाह लेना मिस अंदर की बात जान लेना। वहीं ईमान, ईमान बेचना मिस मतलब होता है कि व्यवस्था के कारण झूठा या गलत आचरण करना, ईमान बेचना। व्यवस्था, व्यवस्था मिस मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी के कारण झूठा या गलत आचरण करना। वहीं गोते खाना, गोते खाना मतलब इधर उधर डूबना या उतराना, कैसा है गोते खाना अर्थात पानी में गोते जब लगाते हैं तो इधर उधर डूबते हैं और निकल आते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। वहीं विजय गर्व की तरंग अर्थात विजय की खुशी या खुशी में, खुशी की उमंग में, तो वह होती है विजय गर्व की तरंग। वहीं उद्दिष्ट, उद्दिष्ट मतलब होता है निश्चित या निर्धारित, निश्चित या निर्धारित। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में यह आए होंगे, और आप वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके भी इनको देख सकते हैं और आसानी से जो आपको एक दो बार में ही याद हो जाएंगे, और इन्हें अच्छे प्रकार से आप एक नोटबुक में उतारते जाएं तो और भी ज़्यादा ये अच्छे से याद हो जाएंगे, जिससे कि पाठों को समझने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है, हम एक बार प्रश्नों पर भी नज़र डालेंगे कि इस पाठ का नाट्य रूपांतर कर उसकी प्रस्तुति कीजिए। प्रेमचंद के उपन्यास रंग रंगभूमि उसका संक्षिप्त संस्करण पढ़िए। नेक्स्ट है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, भैरों ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई। तीसरा क्वेश्चन है कि यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है, जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों जगा। पांचवा क्वेश्चन है कि सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। छठा क्वेश्चन है कि सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा अर्थात मन की जो दशा हुई उस समय उसका वर्णन कीजिए। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। तो ये प्रश्न हैं, और इनको पढ़ने से हमें क्या है, जो हम पाठ पढ़ेंगे वो जो प्रश्न आएंगे तो इन्हें हम आसानी से समझ पाएंगे, अर्थात पाठ पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले पाठ के बारे में जानते हैं कि प्रेमचंद जी ने इस सूरदास की झोंपड़ी नामक जो पाठ है इसको लिखने का क्या उद्देश्य है, समझने की कोशिश करेंगे और अच्छी प्रकार से जानेंगे, जो कि सूरदास जी के रंगभूमि नामक उपन्यास का एक छोटा सा अंश यहाँ प्रस्तुत किया है प्रेमचंद जी ने। तो रात के 2 बजे होंगे, रात के 2 बजे होंगे। अकस्मात, अकस्मात मिस होता है अचानक, सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी अर्थात आग लग गई। ज्वाला उठना मिस, ज्वाला उठना क्या है, ज्वाला उठना, ज्वाला उठना एक मुहावरा है, तो उसका मतलब क्या है, आग लग जाना, आग लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे, निद्रावस्था में, निद्रावस्था मिस होती है नींद की अवस्था में, निद्रा, निद्रा प्लस, निद्रा प्लस अवस्था अर्थात नींद की अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है, अर्थात थोड़ा थोड़ा व्यक्ति जो होता है जागता रहता है, और दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए, अर्थात जैसे ही व्यक्तियों को पता चली कि आग लग गई, आग लग गई, तो तुरंत ही वहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति, कह सकते हैं कि जो गांव वाले थे वहाँ पर जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी अर्थात तो जो आग की लपटें थीं आसमान तक जा रही थी, और आसमान लाली, लाली का मतलब होता है लाल छा जाना, तो लाली छा जाना मीन्स लाल लाल दिखाई देना, आसमान जो था लाल लाल दिखाई दे रहा था। ज्वालाएं
कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता, स्वर्ण कलश का सा। इस पंक्ति में क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, स्वर्ण कलश का सा। तो आग की जो लपटें किस प्रकार दिखाई दे रही थीं, कि मंदिर का जो स्वर्ण कलश है उसका सा, उनका जो आकार था किसका, आग की ज्वालाओं का, तो उसके समान दिखाई दे रहा था। कभी वे वायु के झोंकों से यों कंपित होने लगती थीं मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। अर्थात जल में उनका जो प्रतिबिंब था, उनका जो रूप दिखाई दे रहा था, एक चांद का रूप दिखाई दे रहा था। जल में तो चांद जैसा और मंदिर के ऊपर क्या, स्वर्ण कलश जैसा। किसका रूप? आग की लपटों का। ठीक है, आग की लपटों का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। क्या आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग, ईर्ष्या की आग की भांति। झोंपड़े की आग को किसके समान बताया? ईर्ष्या की आग। ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स होती है किसी से दुश्मनी, दुश्मनी की आग कह सकते हैं। उसकी भांति कभी नहीं बुझती। अर्थात जो आपसी दुश्मनी होती है लोगों के बीच, तो उसकी जो दुश्मनी होती है वह कह सकते हैं कभी नहीं बुझती। उसी प्रकार से तो वह आग उन्हें दिखाई दे रही थी। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे। नैराश्यपूर्ण मीन्स कह सकते हैं कि ये क्या हो गया। तो उस दृष्टि से, उस भाव से, उस अग्निदाह को, उस अन आग की लपटों को देख रहे थे कि मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी मित्र को, अर्थात तो उनका जो मित्र था, जो लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, उनके मित्र का घर जल रहा था, उसकी चिता अग्नि जल रही हो, अर्थात तो उसका घर जल रहा था। सहसा अचानक सूरदास दौड़ा हुआ आया। कौन? सूरदास। और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? जब ज्वाला के प्रकाश में, ज्वाला मिस क्या होती है, अग्नि, ज्वाला मिस अग्नि, तो अग्नि के प्रकाश में चुपचाप से आकर के खड़ा हो गया सूरदास। तब उसने, बजरंगी ने पूछा, किससे? बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? सूर्य किसको कहा गया? सूरदास जी को। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? चूहे में तो आग नहीं छोड़ती थी। उसने कहा कि यह चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ती थी। तो सूरदास कहता है कि झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं, अर्थात तो उसको तो अब आग बुझाने की ही पड़ी थी। बजरंगी कहता है, अब तो अंदर बाहर का सब एक हो गया, अर्थात तब तक जब वह सूरदास आता है तब तक सब कुछ जल चुका था, दीवारें जल रही हैं, अब बचा ही क्या था, अर्थात तो उसकी जो कह सकते हैं जो झोंपड़ी थी, जो झोंपड़ी थी उसकी, वह क्या जल चुकी थी, और अब क्या जो दीवारें शेष थीं साइड की वो ही बची हुई थीं। सूरदास किसी तरह नहीं जा सकता। सूरदास कहता है कि किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे, देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। अर्थात यह कार्य जो था बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा था उस समय। वहीं जगदर, जगदर आता है, सूर्य क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था? अर्थात तो उन सबको जो आते हैं, बजरंगी आता है सबसे पहले सूर्य से पूछता है, उसके बाद जगदर आता है, तो ये ही सवाल पूछते हैं, क्या चूल्हे में अग्नि थी? नायक राम कहता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। अब नायक राम को कुछ शक होता है किसी पर, तो वह समझ जाता है या नायक राम कि आग किसी ने लगाई है। तो वह कहता है, अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा जो है किस प्रकार से ठंडा होता। जगदर कहता है, पंडा जी, तो जो कौन था, नायक राम तो जो था वह था पंडा जी। कौन था? पंडा। पंडा कहते हैं जो जो कि गंगा जी में, जो गंगा जी या जो अपने पितृजों या कहते हैं पूर्वजों या
कोई भी अगर घर में ख़त्म हो जाता है तो उनके जो अवशेष होते हैं, अस्थियां जो होती हैं, उनको जब बहाया जाता है तो वहाँ पर वो उस काम को करवाने में एक जो पंडा होता है वही सहायता करता है। ठीक है, तो जगदर कहता है, जगदर तो पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए, मेरा लड़का काम ना आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक, नाहक मीन्स बेवजह शुभा करते हो, शुभा करते हो मीन्स शक करते हो। तो जगदन ने कहा, नायक राम जब कह रहा था कि दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, तब जगदर बोला कि पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो तुम मुझ पर नाहक शुभा करते हो, नाहक शुभा मीन्स बेमतलब ही शक करते हो। नायक राम कहता है कि मैं जानता हूँ, जिसने लगाई है बिगाड़ ना दूँ उसका तो कहना, अर्थात उसका सब कुछ ना बिगाड़ दूँ तो कहना, जिसने भी आग लगाई है। उतने में ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था, अर्थात सब कुछ जल गया था, अर्थात पहले ठाकुर दीन के घर में भी आग लग चुकी थी। जगदर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, अर्थात इतना खोट हो, कह सकते हैं भगवान उसका सत्यानाश कर दे। जगदर उसको कहता है, भला बुरा कहता है, जिसने भी लगाई हो तो मन में उसके में इतनी खुटाई हो कि उसका मन जो है कभी शांत ना हो, कह सकते हैं भगवान उसका सत्यानाश कर दे, सब कुछ स्वाहा कर दे जिसने भी यह आग लगाई हो। तब सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी कहता है, हाँ फूस जल गया, अब धरन जल रही है। धरन मिस होता है, कह सकते हैं दीवारें, और जो जिस पर के वो होती है लकड़ी की मोटी बल्ली जिसे बोलते हैं दीवार आदि, तो मोटी मोटी जो होती हैं वे जल रही हैं। वहीं सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते, अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास कहता है, हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है, अर्थात जब उसका घर जल गया तो क्या उसे नींद आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको यह पार्ट समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो। नेक्स्ट चलते हैं कि थोड़ी ही देर में रही सही आग भी बुझ गई, अर्थात सब कुछ जो आग लग के सब सब कुछ जल चुका था, तो थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई थी। और सूरदास का जो मन था उसमें जाने का कर रहा था उस समय, तो कुशल यह हुई, अच्छा यह हुआ कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए, अर्थात एक जिसने भी लगाई थी उसके बारे में भला बुरा कहते हुए चले गए। सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा जाना मिस वहाँ पर कोई भी ना रहना, बिल्कुल भी कह सकते हैं शांत माहौल। किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था, उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था। सूरदास जो था वह अभी भी वहाँ बैठा हुआ था, उसको झोंपड़े के जल जाने का दुख ही नहीं था, क्यों कि बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था सूरदास को, केवल दुख था तो किसका, उस पोटली का। पोटली होते हैं जिसमें कि कुछ उसने क्या है बांध के रखा होगा, पोटली कपड़े की पोटली, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, अर्थात तो उसमें बहुत सारे उसके जो रुपए थे अब तक, तो उसी पोटली में उसने क्या है बांध के रखे थे, उसी पोटली में कह सकते हैं। तो वह क्या थी, कपड़ों की एक पोटली थी जिसमें उसने रुपए रखे थे। तब क्या था, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातना और रचनाओं का निष्कर्ष थी कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष क्या थी, कह सकते हैं कि उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष क्या था।
या उसके जीवन की आशाओं का आधार वह पोटली ही क्यों थी? अर्थात पोटली में उसने क्या था? अब तक जो भी कमाई की थी, उम्र भर की कमाई थी उसकी, अर्थात उसी पर उसका जो सहारा था, भविष्य का सहारा, वर्तमान का सहारा, वह पोटली थी जिससे कि वह अपने घर की स्थिति को संभाल सकता था। इस छोटी सी पोटली में उसका और उसके पितरों का और उसके नामलेवा का उद्धार संचित था। कह सकते हैं कि इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का, पितर होते हैं पिता, बाबा, दादा आदि पूर्वज, उस उनका और उसके नामलेवा, अर्थात तो उसने जो नाम लिए थे उनका जो उद्धार था वह संचित था, जैसे एक प्रकार से हवन हो गया हो। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। अर्थात कह सकते हैं कि जो उसकी पोटली थी वही उसकी गरीब थी, वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी आशा थी और वही उसका दीपक जलता हुआ जो कि उसको रोशनी दे सकता था। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? अर्थात जो सिक्के थे उसमें, उसकी पोटली में उसने एक पोटली बना के रखी थी, तो उसमें क्या रखा था? उसने सिक्के रखे थे बांध के, है ना, बांध के उसने उनमें सिक्के रखे हुए थे। तो जो सिक्के थे कुछ चांदी के भी थे। वह सोच रहा कि पोटली जो है उसमें चांदी के सिक्के भी रखे होंगे तो चांदी थोड़ी ना जलेगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है? नहीं तो यही ना सोता नहीं तो यही ना सोता पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। वह जब दूसरी जगह सो रहा था, कह रहा अगर ऐसा होता तो मुझे क्या पता था कि मैं यहीं सोता और पोटली को तो कम से कम निकाल ही लेता। सच तो यह है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही ना चाहिए थे, अब अपने आप को कोसता हुआ कहता है, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है अब उस पोटली को लेकर के। पूरे 500 रुपये थे, पूरे 500 रुपये, अर्थात 500 रुपयों के लिए वह बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करता है। उस ज़माने में, प्राचीन समय में, ये 500 रुपये आज के 5 लाख के बराबर कह सकते हैं होते हैं। तो कुछ पैसे ऊपर हो गए थे क्या? इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था क्या? इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था, अर्थात उसका सब कुछ जल के राख हो गया। उसको लगता है कि मैं इसी लिए क्या पैसे बटोरना मिस इकट्ठे कर रहा था, खा लिया होता, अर्थात वो जो पैसे इकट्ठे किए थे अगर मैं पेट में भी खा लेता तो भी कुछ नहीं होता, तो कुछ तस्कीन होती, कुछ तसल्ली होती, तस्कीन मिस कुछ तसल्ली होती। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। गया एक स्थान है MP जो कि पड़ता है MP में, तो उधर की ये बात थी, पितरों को पिंड दान देते हैं ना, जैसे उनके अस्थि कलश होते हैं, तो उनको देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कहीं मठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए। उसका एक पुत्र था मठुआ, वह सोचा करता था कि अगर मठुआ की सगाई हो जाए, है ना, तो उसकी शादी कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले, अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक युग बीत गया, अर्थात तो वह खाना भी अपने आप बनाता था। बड़ी भूल हुई, चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है, अर्थात पांव फैलाना मिस अनेक जगह उसने पांव पिटे और बहुत जगह से क्या है कमा कमा के उस पोटली में वह रुपए इकट्ठे करता गया था। आगे वह कहता है कि उस समय
उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़ी में घुसा, पर दो तीन पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया, अर्थात गर्म राख में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख को नीचे ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य न थी, अर्थात सहन करने योग्य न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था, उसका जो दिल था वह अभी भी धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिलें या ना मिलें, पर चांदी तो कहीं गई नहीं। वह सहसा वह उछल पड़ा, अर्थात कोई भारी चीज हाथ लगी उसके, उठा लिया पर टटोल कर देखा तो मालूम होगा क्या ईंट का टुकड़ा था। उसे लगा जैसे उसकी पोटली मिल गई हो। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले, अर्थात जिस प्रकार से पानी में मछली आदमी एक टटोलता है उसी प्रकार से वह अपनी पोटली को टटोल रहा था। कोई चीज़ हाथ ना लगी, तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली, अर्थात तो उसकी जो आशा थी वह पोटली थी कह सकते हैं। अब उससे धैर्य नहीं रखा जा रहा था और सारी राख उसने छान डाली थी। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी, लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली ना मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा, अर्थात एकमात्र उसका जो सहारा था वह क्या था, उसकी पोटली। लेकिन जब उसकी पोटली नहीं मिली तो वह कह सकते हैं अथाह, जिसकी कोई था ना हो, उस इतनी गहराई में वह चला गया, अर्थात चिंता में डूब गया। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई, वह वहीं राख पर बैठ गया और विलख विलख कर रोने लगा, अर्थात बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ अपनी पोटली का। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी कह सकते हैं। उसकी जो इच्छाएं थीं, अभिलाषाएं थीं, उस पोटली में ही उस झोंपड़ी की आग में जल करके रह गई थी, अर्थात उसने जो भी अब तक सोचा था उस पोटली को लेकर के और अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बेटे का भविष्य उसको लेकर के, अपनी शादी, बेटे की शादी, मिठुआ की शादी आदि सब की उसकी जो अभिलाषाएं थीं आदि सब, तो उन सब का क्या है, उस राख में स्वाह हो गया। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ, तड़गा तड़का हो गया, अर्थात यह तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया। सुबह हुई, सूरदास सब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती, अर्थात तो उसको अभी भी आशा लगी हुई थी क्या पोटली उसी में होगी। तो सुबह होती उसने फिर उसको टटोला। उसी समय जगदर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं, अर्थात सुबह में सोता है शक। तो जगदर आकर सूरदास को बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है क्या? सूर्य को सुबह तो था, शक तो था, पर उसने इसे छुपा कर रखा। तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी, अर्थात अदावत में सोता है दुश्मनी। तुमसे मेरी कौन से जन्म की दुश्मनी थी जो तुम्हारे ऊपर शक करूँगा। जगदर कहता है, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास कहता है, अब तो जो कुछ होना था हो चुका, कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बूझे किस पर शोभा करूँ,
किस पर शक करूं, मैं कुछ नहीं जानता। जगदर कहता है, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह मैं भी ना मारा जाऊं। अर्थात शक की गुंजाइश तुम्हारे मन में अगर मेरे प्रति हो तो तुम कहो, कहीं शक के दायरे में मैं ना आ जाऊं। जगदर इस प्रकार से उसको कह रहा था। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। तो सूरदास ने कह दिया कि मेरी तरफ से जो तुम्हारा दिल है, मेरा दिल है, साफ है, अर्थात तो मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है। वहीं जगदर को बहरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि उसी की शरारत है जो बहरों। अब उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया कि वह वहाँ से सीधे बहरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर कहता है, सब लोग तुम्हारे ऊपर शोभा करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी? बहनों कहता है, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। सबूत क्या है मैंने लगाई? सबूत क्या है कि मैंने लगाई? बहरों कहने लगा। तब जगदर कहता है, सच कहो, तुम ही ने लगाई? बहरों कहता, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। अर्थात वह किसने लगाई? बहरों ने। जगदर कहता है, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? दो चार दिन में फिर दूसरी झोंपड़ी तैयार हो जाएगी। बहनों कहता है, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई, यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। अर्थात वह वही पोटली थी जिसको कि वह सूरदास सूर ढूंढ रहा था। उस पोटली को जो बहरों था वहाँ से निकाल करके ले आया था। जगदन ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे पड़े हुए हैं। भैरों कहता है, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। जगदर कहता है, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरों कहता है, उसी झोंपड़े में, बड़े जतन से धरन की आड़ में, अर्थात दीवार की आड़ में रखे हुए थे। और पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था। अर्थात सूर पाजी किसको कहा गया? सूर को। जो सूर था, जो रोज राहगीरों को, राहगीर में रास्ता चलने वाले, उनको ठग ठग करके पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए इसके पास। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई, अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया। अर्थात वह जो कह रहा था कि बिरादरी वाले जो हैं उनको दावत देने का सामान अब मेरे पास हो गया, नहीं तो इस टाइम वक्त मिस होता है, टाइम, रुपए कहाँ मिलते हैं? आजकल तो देखते ही हो, बल्लमटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। बिक्री का मतलब है सेल कितनी मंदी है। अर्थात तो वह एक दुकान पर बैठता था, कौन? बहरों। जगदर कहता है, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो, बड़ी मशक्क़त की कमाई है, अर्थात कठिन परिश्रम की कमाई है, हजम ना होगी, अर्थात पचेगी नहीं। जगदर से बहरों से बोला जगदर। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, अर्थात वह जगदर जो था बहुत ही अच्छा था, दिल का खोटा नहीं था, दिल का साफ था। पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी, अर्थात ईर्ष्या से दी थी। हसद, हसद का मतलब होता है ईर्ष्या या डाह में, ईर्ष्या में। उसे यह असह्य था, अर्थात सहनीय नहीं था, क्या कि बहरों के हाथ इतने रुपए लग जाए। को उस जगदर को यह पसंद नहीं था कि जो बहरों हैं उसको इतने रुपए हाथ लग जाएं, उसको यह असहनीय था, सहन करने योग्य न था। बहरों आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, उसे तसल्ली हो जाती, अगर वह आधे रुपए दे देता।
पर भैरों से यह आशा ना की जा सकती थी क्या कि बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था, अर्थात मेहनत तो नहीं की थी, भीख ही तो मांगी थी। तो जो सूरदास था क्या काम करता था? भीख मांग कर। तो उसने कहा कि लोगों को ठगता था, लेकिन उसका काम क्या था? भीख मांग कर वह जीवन यापन किया करता था। जगदर था, पुलिस सब खा जाएगी। भैरों, सूर्य पुलिस में ना जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगदर था, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। जगदर उसको बार बार उसके पैसे देने की बात करता है, और उसके मन में ये भी था कि ये इसको मैं पैसे नहीं खाने दूंगा। भैरों कहता है कि वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। सूर्य क्या? सूरा था, सूरा कहते हैं अंधा था, सूरदास जो था अंधा था। तो जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हों, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढाओ एक रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते? अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, जब तक उसे रोते ना देखूंगा ये कांटा ना निकलेगा। अर्थात भैरों जगदर से कह रहा था, जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी। आबरू में से होता है इज्जत, इज्जत बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं मुझे पाप नहीं लग सकता। जो भैरों था वह जगदर से कहने लगा। अब क्या था, जगदर का जो मन था आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में लगा। छाती पर सांप लौट रहा था, अर्थात तो उसको ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, जो 500 रुपये बहुत होते थे उस ज़माने में। अब मौज उड़ाएगा ये? तकदीर इस तरह खुलती है, यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छड़ाम छड़ाम कौड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ। अर्थात उसका जो काम था जगदर का, वह गेहूँ तोलने का काम करता था, तो क्या कुछ ना कुछ टैनी मारता था। टैनी मारना मीन्स तोल जब करता था तो उसमें से ही कुछ बचा देता था चुपके से। तब क्या था, बाट खोटे रखता हूँ, और उसके जो तोलने वाले बाँट थे तो खोटे थे, अर्थात वो पूरे नहीं थे। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ, अर्थात जो मिठाई भी बेचता था तो वह क्या तेल की होती थी, लेकिन घी की कहकर के उसको बेचता रहता था। ईमान गवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ ये बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो ज़रूरी है। उसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा, ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। अर्थात तो वह भी हराम की खाने वाला था। कौन? जगदर। तब क्या था, जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा, जलन का अंकुर जमा। बीज कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीज अंकुरित हुआ, उसी प्रकार से जगदर के मन में भैरों के प्रति ईर्ष्या का अंकुर जमा हुआ। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा था। उसका शरीर भस्म से ढका हुआ है, अर्थात राख से और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास कहता है, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगदर कहता है, और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरों आया था? जरूर यही बात है, घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना
सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, छुपाना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से के लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझें कि भगवान तीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं। अर्थात कह सकते हैं कि भिखारी जो होते हैं कि धन संचय तो करते हैं लेकिन पाप भी कमाते हैं, तो ये सब अपमान की बातें हैं उसके लिए। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगदर कहता है, मुझसे उड़ते हो, मुझसे झूठ बोलते हो। बहरों, मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी हैं। बेसी बेसी का मतलब होता है ऊपर, 500 रुपये से कुछ ऊपर ही हैं, अर्थात 500+ कह सकते हैं। सूरदास कहता है कि वह तुमसे हंसी करता होगा, 550 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, और 550 कहाँ से आते। वह कहने लगा सूरदास, अर्थात अभी भी वह छुपा रहा था। इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची, रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। सुभागी, सुभागी एक पात्र है, अब देखते हैं वह कौन है। तो वह जानती थी कि आग भैरों ने लगाई है, अर्थात उसको पता था कि आग जो थी भैरों ने लगाई है। भैरों ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता ना थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास ना आएगा, लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाए इसका उससे बड़ा दुख था। कि इस समय को उसको तस्कीन देने आई थी, तसल्ली देने आई थी। जगदर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, वह हुआ कहीं यह मुझे पकड़ ना ले। जगदर को वह भैरों का ही दूसरा अवतार समझती थी, अर्थात भैरों और जगदर को वह एक समान मानती थी। वह अपनी इज्जत बचाने की खातिर वह छुपी हुई थी, और उसने प्रण कर लिया कि अब भैरों के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी। अर्थात भैरों की पत्नी थी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। सुभागी कौन थी? भैरों की पत्नी। और यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना, अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धोकर पिए, धो धो कर पिए। मुझे तो यह नहीं हो सकता, इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से दहले का सिंदूर भी ना दिया होगा। अर्थात उसके लिए जो सुभागी थी भैरों की जो पत्नी, वह कहती है कि उसके लिए वह कुछ भी नहीं लाया था, तो मैं क्यों इसके लिए मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदन ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? देखिए अपने कसम की करतूत, कसम में सोता है पति। अर्थात वह कहती है कि देखिए अपनी कसम की करतूत। जगदर कहता है सुभागी से, करतूत में सोता है कारना में। बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा, अर्थात उसका सब कुछ लूट लिया, बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं रह गया। सुभागी ने समझा, मुझे झांसा दे रहा है मेरे पेट की था लेने के लिए। पेट की था लेना मिस पेट की बात जानना, पेट की था लेने के लिए जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्हीं ने मंत्र दिया होगा। वह सब कुछ जानती थी इसके बारे में, जगदर और भैरों को वह एक समान मानती थी। तब जगदर कहता है, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका ना सिखाऊँ तो रोटियाँ क्यों कर चलें। जब तक समझता था भला आदमी, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, 500 रुपये इकट्ठे किए थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो,
तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास कहता है, फिर वही रट लगाए जाते हो, कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो मैं चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता, वह अभी भी छुपाता है। जगदर कहता है, सूर्य अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं, अर्थात गंगा की कसम खा के कहो कि मेरे रुपए नहीं, तो मैं मानूंगा। मैंने अपनी आँखों से वह थैली देखी है। भैरों ने अपने मुँह से कहा कि यह थैली झोंपड़े में धरने के ऊपर मिली, तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। सौभागी कहती है, तुमने थैली देखी है। जगदर, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। तब सूरदास कहता है, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगदर कहता है, इनसे पूछ, रुपए ना थे तो इस घड़ी इस क्या राख क्यों राख में क्या ढूंढ रहे थे। तब क्या होता है, सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा, अर्थात खोजपूर्ण दृष्टि से उसकी तरफ देखा। यह सूरदास जो था राख में कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा था, तो उसकी उस बीमार किसी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तसल्ली के लिए अपनी असह्य सहन न करने योग्य वेदना को छिपाने का असफल मिस जो सफल नहीं हो सका ऐसा प्रयत्न वह कर रहा था। जगदर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे। जगदर के निकट आकर बोली, कौन? सुभागी, कि रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगदर कहता है, मैंने थैली अपनी आँखों से देखी है। सुभागी कहती है, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूँगी उसी के घर, कहाँ कहाँ थैली को छुपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी, मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, अर्थात परेशानी आई है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी, जब तक इसके रुपये न दिला दूंगी मुझे चैन नहीं ना आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात न सुनी, वह सोच रहा था, मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता, यही ना होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों बाद होगा, मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मुझे मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा, भैरों उसे अपने घर में कभी न रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी, यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ, धन गया, घर गया, आबरू गई, आबरू में सोता इज्जत, जमीन बची रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी, अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी, परेशानी थी कि नित ही कि जैसे ही एक न एक चपत पड़ती रहती है, अर्थात पहले वह अंधा हुआ, उसके बाद उसके घर में आग लग गई और सौभाग्य का कलंक। जिसके जी में आता चार खुटी खरी सुना ही देता है, अर्थात कुछ भी कह के चला जाता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत अर्थात मर्म उसका जो है आहत हो जाता है, आहत सा होकर वह रोने लगता है। सुभागी जगदर के साथ बहरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा रो रहा था। इस प्रकार की सिचुएशन जब हो जाती है तब क्या होता है। आई होप दोस्तों आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा पाठ में। अगर आप आसानी से या अच्छे प्रकार से सुन रहे होंगे तो इस पाठ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। सहसा वह चौंक पड़ा, अचानक वह चौंक पड़ा, किसी ओर से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो? तो मिठुआ गीसू के घर से रोता चला आ रहा था। मिठुआ जो सूर्य का पुत्र था गीसू के घर से रोता चला आ रहा था। शायद गीसू ने उसको मारा था, पर घिसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो नैराश्य गिलानी चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। सूरदास जो था नैराश्य, उसको नैराश्य भाव हो गया था, गिलानी हो गई थी उसको, चिंता लगी हुई थी,
क्षोभ के मारे वह अपार अपार मिस जिसका कोई पार ना हो, इस प्रकार के जल में गोता खा रहा था, कह सकते हैं डूबा हुआ था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते। त्योरियाँ मिस आँखें बुहाइयों कहते हैं, चेहरे पर बल नहीं पड़ते, झाइयाँ नहीं पड़ती, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मार लेने के छींटे भी नहीं आते। अर्थात दिल किसी भी प्रकार से मेला नहीं होता, और ना किसी से जलते हैं ना चढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा है? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। इस प्रकार से उसकी जो आत्मचेतना जागृत होती है तो सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। अब क्या था, आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते, वह संयम कहाँ जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। अर्थात उसको इस प्रकार का संयम या इस प्रकार का जो उसका संयम था वह सब दिखाई दे रहा था, एक क्षण में मिट हुआ। घीसू और मोहल्ले के बीसों लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देख सबों को खेल हाथ आया, राख की वर्षा होने लगी, दम के दम में सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान रह गया। अर्थात राख का ही उन्होंने खेल बना लिया। राख की जो भस्म थी उन्होंने सबने अपने अपने ऊपर मल्ली लगा ली, उड़ा ली। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास कह रहा, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ कह रहा, और कोई फिर आग लगा दे तो? सूरदास कह रहा, तो फिर बनाएंगे, क्या करें। मिठुआ, और फिर लगा दे तो हम फिर बनाएंगे। और मिठुआ, कोई 20 कोई 1000 बार लगा दे तो? सूरदास का आंसर था कि हम 1000 बार ही उसको बनाएंगे। अर्थात जो उसका संयम था, संयम वो बच्चों का जो खेल हो रहा था, उसे एक शब्द निकला, क्या कि खेल में रोना कैसा। तो उस शब्द से उसे क्या है, उसे सूरदास को एक संयम बना उसको। तो वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। अर्थात शत्रु पर उसने उसे संयम ना रहा। बालकों की संख्या को विशेष रुचि होती है, बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100,00,000 बार लगा दे तो? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, उसी भाव में, कि हम भी 100,00,000 बार बनाएंगे। तो रंगभूमि उपन्यास का यह छोटा सा अंश जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने मित्रों के साथ, जो कि अधिक से अधिक इस पाठ के बारे में जान सकें। आई होप दोस्तों यह पाठ आपको समझ में आया होगा। चैनल और अब नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके। धन्यवाद।